बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज बीएससी कंपल्सरी क्लास एंड दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल द डैम्ड ह्यूमन रेस रिटन बाय मार्क ट्वेन। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन प्लीज। आज इंशाल्लाह द डैम्ड ह्यूमन रेस पे हमारी ये लास्ट डिस्कशन होगी। हमने यहाँ तक ये अपने ये आर्टिकल पढ़ लिया और उसमें वी हैव डिस्कस सो मेनी मेरिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एक्चुअली दे आर नॉट मेरिट्स, दे आर नॉट क्वालिटीज, दे आर आयरोनिकली स्पीकिंग दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट एप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे आर आर मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम, बट वट एवर ही does it is quite contrary to his status and his caliber. That's why our writer calls him the meanest of all creatures. Now today we are going to discuss another problem or merit or demerit or quality, whatever you can name it. It is in two sense of the word. It is demerit, and demerit is our writer says I find this defect. ऊपर उसने बात की है ना कि ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम हैं इस इंसान में वो एक ख़ास वजह से हैं, और वो क्या वजह है ख़ास, वो ख़ास वजह है इसका मॉरल सेंस। ये जो मॉरल सेंस है ये इसका एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। इसे आप नंबर देख लें कौन सा है तो इस पर आप नंबर दे लें। ही इज़ ओनली एनिमल दैट हैज़ इट, और ये वाहद जानवर है जिसमें ये मॉरल सेंस है। इट इज़ अ सीक्रेट ऑफ हिज डिग्रेडेशन, ये उसकी डिग्रेडेशन का, ये डिग्रेडेशन नहीं पढ़ना है, ये डिग्रेडेशन है, ये उसकी उस ज़वाल या तनज़ली जो भी वट एवर इट इज़ डिग्रेडेशन जो है उसका ये सीक्रेट है। कौन? दिस वन, ये मॉरल सेंस जो है, इट इज़ द क्वालिटी। ये क्या चीज़ है मॉरल सेंस जो इसकी डिग्रेडेशन की वजह या सीक्रेट है? तो वो बता रहा है जी कि इट इज़ द क्वालिटी, ये एक ऐसी क्वालिटी है विच अनेबल्स हिम टू डू रॉन्ग, जो उसे गलत काम करने के काबिल बनाती है। इट हैज़ नो अदर ऑफिस, इसका और कोई ऑफिस है ही नहीं, इसका और कोई काम ही नहीं है। इट इज़ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन, ये कोई और काम करने के काबिल ही नहीं है, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कोई और काम करे, ये सिर्फ उसे ये काम करवाती है कि वो उसे गलत काम करने के काबिल बनाती है। इसमें और कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी जो हो सके, बस यही एक है। इट कुड नेवर है, ये हेट नहीं है, हैव, इट कुड नेवर हैव बीन इंटेंडेड टू परफॉर्म एनी अदर, इसने कभी इरादा किया ही नहीं है कोई और काम करने का, कोई और काम परफॉर्म करने का। विदाउट इट, इसके बगैर मैन कुड डू नो रॉन्ग, इसके बगैर इंसान जो है वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। सो मॉरल सेंस इज द ओनली क्वालिटी विच अनेबल्स हिम टू डू समथिंग इवर और टू डू समथिंग बैड। ही वुड राइज एट वंस टू द लेवल of the higher animals. Without it, man could do no wrong, कोई वो काम नहीं गलत कर सकता, और जब ये नहीं होगी तो फिर क्या होगा? He would rise at once, और वो फौरन ही जो है वो राइज कर जाता to the level of the higher animals, ये आला किस्म के जो जानवर हैं उनके लेवल तक ये पहुँच सकता था। और सिर्फ ये एक क्वालिटी है, ये एक जिसे मॉरल सेंस कहते हैं, उसकी वजह से ये सारी खराबी है कि वो उन बड़े जो जानवर हैं, जो आला जानवर हैं, उनके लेवल तक ये पहुंचने के काबिल नहीं। सिंस द मॉरल सेंस हैज़ बट द वन ऑफिस, जबकि मॉरल सेंस का एक ही ऑफिस है, यानी कि उसका एक ही काम है, वो क्या है? द वन कैपेसिटी, ये कैपेसिटी क्या? टू अनेबल मैन टू डू रॉन्ग, कि वो इंसान को गलत काम करने के काबिल बनाए। इट इज़ प्लेनली विदाउट वैल्यू टू हिम, लिहाजा ये उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। ये जो मॉरल सेंस है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो इंसान को गलत काम करने के काबिल बनाती है, क्योंकि इसका
अलावा इसका और कोई काम ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है इसके लिए। इट इज़ एज यूजलेस एज इज डिजीज़, ये इतनी ही वैल्यूलेस है जितनी कि एक डिजीज़ उसके लिए है। जिस तरह से एक बीमारी होती है ना वैल्यूलेस, उसकी क्या वैल्यू होती है जी डिजीज़ की, कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह से ये भी एक तरह से आप समझ लें कि डिजीज़ है और इसका उसे कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट आपने ये बात याद रखनी है, ये अलग अलग वर्ड होते हैं, इनफैक्ट अलग इकट्ठा नहीं लिखना है। इनफैक्ट असल में इट मैनिफेस्टली इज़ अ डिजीज़, ये वाजे तौर पे एक डिजीज़ है, बीमारी है। अच्छा जी, रेबीज इज़ बैड, रेबीज़ ये जो पागल हो जाना होता है कुत्ते के काटने से, वो बुरी चीज़ है। बट इट इज़ नॉट सो बैड, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं है एज दिस डिजीज़, जितनी कि ये मॉरल सेंस से पैदा होने वाली जो बीमारी है वो। रेबीज अनेबल्स अ मैन टू डू अ थिंग, रेबीज जो है एक आदमी को इस काबिल बनाती है एक काम ऐसा करने की विच ही कुड नॉट डू, जो कि वो नहीं कर सकता व्हेन इन अ हेल्दी स्टेट, जब वो एक सेहतमंद हालत में होता है। वो क्या चीज़ है, वो क्या काम है जो वो नहीं आमतौर से कर सकता, वो है किल हिज नेबर, अपने हमसाए को मारना है वो विद द पॉइजन पॉइजनस बाइट, एक जहरीली काटने से, एक पॉइजनस बाइट से वो अपने हमसाए को मार देता है। आम तौर से सेहतमंद अगर हो तो वो ये काम नहीं कर सकता। वन इज द बेटर मैन फॉर हैविंग रेबीज, ये आदमी जो है वो बौलापन या पागलपन या वो रेबीज की जो शिकायत है उसे या वो जो बीमारी है वो उसे हो जाए तो वो एक तरह से बेहतर है। द मॉरल सेंस अनेबल्स अ मैन टू डू रॉन्ग, मॉरल सेंस जो है वो एक आदमी को गलत काम करने के काबिल बनाती है। इट अनेबल्स हिम टू डू रॉन्ग इन अ थाउजेंड वेज, वो उसे एक आदमी को वो एक हज़ार तरीकों से गलत काम करने के काबिल बनाती है। रेबीज इज एन इनोसेंट डिजीज, रेबीज जो है वो तो बड़ी मासूम सी बीमारी है कंपेयर टू द मॉरल सेंस, अगर हम मॉरल सेंस के साथ उसका कंपैरिजन करें। नो वन देन, कोई भी फिर कैन बी बेटर मैन फॉर हैविंग द मॉरल सेंस, नो वन देन कैन बी द बेटर मैन फॉर हैविंग द मॉरल सेंस, कोई भी आदमी जो है जिसको मॉरल सेंस की बीमारी हो वो कभी भी बेहतर आदमी नहीं बन सकता। व्हाट नो डू वी फाइंड द प्राइमल कर्स टू हैव बीन, अब हम वो जो कर्स है इब्तदाई कर्स जो है वो हम ने जो हमारे अंदर रख हम हमारे पास है, व्हाट नो, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। प्लेनली बिल्कुल सादा सी बात है, व्हाट इट वाज इन द बिगिनिंग, वही इसका फ़ायदा है जो शुरू में था। क्या इन द इन्फ्लिक्शन अपॉन मैन ऑफ द मॉरल सेंस, ये मॉरल सेंस की बीमारी का इंसान के ऊपर तारी हो जाना, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश गुड फ्राम ईवल, और ये जो मॉरल सेंस है ये असल में इन ये जो एबिलिटी है ना अच्छाई और बुराई के दरमियान में जो फ़र्क है उसको हम मॉरल सेंस कहते हैं। एंड विद इट, और इसको डिस्टिंग्विश करने के बाद क्या होता है, विद इट इसके साथ नेसेसरीली द एबिलिटी टू डू इवल, बिल्कुल ज़रूरी तौर पे बुराई करने की सलाहियत जो है उसका मिलना। फॉर देयर कैन बी नो इवल एक्ट, क्योंकि कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ इट इन द डूअर इट, वो जो काम है फिर से देखिएगा, फॉर देर कैन बी नो इवल एक्ट, कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता विदाउट द प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी के बगैर, किसकी, ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ इट, इसकी आगाही की मौजूदगी के बगैर वो कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता इन द डोर ऑफ इट, इसको करने वाले में। जो बंदा भी काम करता है जब तक उसे ये पता नहीं होगा कि ये बुरा काम है तब तक वो चीज़ बुरी नहीं बनेगी, और ये जो चीज़ है ये जो सेंस है ये सिर्फ मॉरल सेंस इंसान को देती है। एंड सो आई फाइंड दैट वी हैव डिसेंडेड, चुनाचे मैंने इस तरह से ये चीज़ देखी है कि हम डिसेंड हमने किया है, यानी कि नीचे की तरफ आए हैं, एंड डीजनरेटेड, और डीजनरेट किया है हमने, वही तनजली के मानों में, फ्रॉम सम फॉर एंसेस्टर्स, कोई बहुत दूर के अबाउदाद थे हमारे, कौन से, सम माइक्रोस्कोपिक एटम,
कोई बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एटम था वो, वंडरिंग एट इट्स प्लेयर, जो कि अपने ही खुशी में घूम फिर रहा था बिटवीन द माइटी हॉरिजन्स ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, बाय चांस एक पानी के कतरे में, बाय चांस ही उसके जो उफक हैं बड़े ताकतवर आसमान या उफक हैं वहाँ पे वो ऐसे ही अपने मौज में वो घूम फिर रहा था, इंसेक्ट बाय इंसेक्ट, एक कीड़े से दूसरे कीड़े तक, एनिमल बाय एनिमल, एक जानवर से फिर दूसरे जानवर तक, रेप्टाइल बाय रेप्टाइल, एक रेंगने वाले जानवर से एक रेंगने दूसरे रेंगने वाले जानवर तक, डाउन द लॉन्ग हाईवे, नीचे बहुत ये बड़ी जो शाहरा है, आउस स्मिजलेस इनोसेंस, और ये बगैर किसी दाग के मासूमियत थी, ठीक है, ये जब हम ऐसे नीचे की तरफ आ रहे थे, टिल वी हैव रीच्ड, हत्ता के हम पहुंच गए द बॉटम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तरक्की की बिल्कुल आखिरी सतह पे, नेमेबल एज द ह्यूमन बीइंग, जिसको कि अब हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, बिलो अस, हमारे नीचे नथिंग, कुछ भी नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ योर आर्टिकल। अब आपने बेटा ये करना है, देर आर टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस आर्टिकल, फर्स्ट वन इज दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, या आपकी उस बुक पे भी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द ट्रेट्स विच मेक मैन द लोएस्ट ऑफ एनिमल्स, ये एक क्वेश्चन है, ये मुख्तलिफ तरह से होगा लेकिन क्वेश्चन यही है, एक मेरा बेटा ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपने करना है कि दिस आर्टिकल और दिस एसे वाज रिटन इन 90s, डज इट हैव सम रेलिवेंस इन द प्रेजेंट टाइम, ये आपके दो क्वेश्चन हैं, ये एक असाइनमेंट होगी कि आपने ये करना है, और दूसरी बेटा असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने इस लेसन में, इस इन द कोर्स ऑफ दिस लेसन वी लर्न सम साउंड्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट लेटर ए, ठीक है, ये कुछ मैं आपको वर्ड्स जो है ना वो आगू बताता हूँ, आपने इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है, और मुझे आप उसमें वॉइस मेल में बता दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ रह गई है यहाँ पे, इससे पहले ये प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस से पहले, आपको ये मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं ये तो आप करेंगे ही, इसके अलावा आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस आर्टिकल पे, ठीक है, 5, 10, 12 जितने भी ईयर के आपको पास पेपर्स जो हैं वो मिले, उन सब के क्वेश्चंस जो इस आर्टिकल पे आए हैं, बस इस आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन हों आज तक, वो आपने एक जगह पे, कोई एक स्टूडेंट इस को ड्यूटी को ले ले और वो एक जगह पे लिख ले, अगर आप मुझे नीचे ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें भेज देंगे तो फिर आइंदा स्टूडेंट्स के लिए भी वो फ़ायदा रहेगा, यूज़फुल होते रहेंगे, ठीक है। तो आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 5 या 8 या 10, 12 साल के जितने भी आपके पास पेपर्स हैं या अवेलेबल हैं नेट पे या कहीं पे भी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस डैम्ड ह्यूमन रेस के ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन, और उनके आगे ईयर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख लें या फिर वो अगर आपने ग्रुप में भेजना है, जैसे आपको इजी रहे, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो यह है कि इधर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना तो फिर आइंदा के लिए भी ज़रा वो चलता रहेगा और आइंदा जो है वो उनके भी इस्तेमाल में आएगा। इसका अब मैंने करना जो व्हाट्स द प्लान आई हैव वो ये है कि ये जो क्वेश्चन बेटा आए हैं ना पास पेपर्स में, उनको मेरा ख्याल है हम डिस्कस करें और हम ये देखें कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। होता ये है कि हम हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, बहुत सारा उनके पास मटेरियल भी होता है, वो अच्छे राइटर भी होते हैं, उनका एक्सप्रेशन भी अच्छा होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट फाइन विद देम, फिर मार्क्स क्यों नहीं आते बीएससी में, 33, 34 इतने बस मार्क्स आते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ ख़ास ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें जो हैं एक वो वाली चीज़ें जो एक क्वेश्चन एक आंसर के अंदर होनी चाहिए और वो एग्जामिनर की डिमांड होती है, मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको हम डिस्कस करें और आपको बताया जाए कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं। तो आपने ये ज़रूर मेरा बेटा करना है, आप वो क्वेश्चन निकालेंगे फिर मेरे लिए
आसानी हो जाएगी। मैं फिर आपको उस तरह से डिस्कस जो है वो हम इधर कर लेंगे, ए वन बाय वन क्वेश्चन। इसके अलावा जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा वो होम टास्क दिया है, ये मेरा बेटा कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज़, एंड यू आर वेलकम ऑल द टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम। अस्सलामु अलैकुम, बेस्ट ऑफ लक।